लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी तय होने वाली है और जल्द ही हार के लिए जिम्मेदार लोगों पर पार्टी एक्शन लेने वाली है। आलाकमान तक आखिरी रिपोर्ट पहुंचने के बाद यूपी को लेकर फैसला लिया जाएगा। खबर है कि 15 जुलाई के बाद यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। यूपी में बीजेपी की बड़ी हार, हार के लिए कौन जिम्मेदार? आलाकमान तक पहुंची रिपोर्ट, बीजेपी बदलाव को है तैयार। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी अपनी बड़ी हार को लेकर लगातार मंथन कर रही है, करारी हार की वजहों का आकलन कर रही है। पार्टी की ओर से एक के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, साथ ही बड़े झटके पर बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के अंदर खलबली मची है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी की ओर से दो लेवल की रिपोर्ट आ चुकी है। तीसरे स्तर की रिपोर्ट 25 जून को सौंपे जाने की खबर है। इसके बाद 25 से 27 जून तक दिल्ली में रिपोर्ट पर मंथन होगा। बैठक में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। कयास है कि इसी मीटिंग में बदलाव का फैसला लिया जाएगा। उनके किसी बदलाव में और किसी भी झांसे में अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने इन लोगों के लिए, चाहे वो देश की मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग थे, पिछड़ी जातियों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और जो मुख्य धारा से पिछड़ गए सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। वाकई में यदि बदलाव करने की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच में बदलाव करे, क्योंकि जो बीजेपी की सोच है वो सरकार बनने के बाद दिखने लगती है। उसमें संविधान को बदलने की साजिश, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार की साजिश और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करने की सोच। यूपी में हार को लेकर जो सबसे बड़ी वजह सामने आई थी उसमें भीतरघात, ओवर कॉन्फिडेंस रहा, आपसी गुटबाजी, संगठन और सांसदों में तालमेल की कमी बड़ी वजह मानी गई। और अब इन सब पर पार्टी आलाकमान एक्शन लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट,